और गाइज ये इसमें फोग लैंप लगे हुए हैं या ये इस पे, ये जो है गाइज यहाँ पे लाइट वगैरह लगती है, और ये जो है इसमें गाइज बाल पोनीटेल्स वगैरह लगती हैं इसमें। जाती हूँ मैं घर के जिया, ये रेड, और ये इसकी आंखें हैं। सो ये इसके फॉग लैंप है गाइस, और गाइस जैसे फुल एक्सीलेटर दे तो गाइस ये बीच में अटक जाता है, इसको छोड़ते हैं तो गाइस आई फ्री भाई, हम आपके फैन हैं बहुत ही ज्यादा। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजन ब्लॉग 0786। सो गाइज काफ़ी दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है गाइज। ये गाइज ब्लॉग काफ़ी लेट आने का कारण है गाइज ये मौसम, गाइज बिल्कुल बिगड़ जाता था भाई। नगरोटा में तो काफ़ी बारिश हो रही थी गाइज, ए लगभग 1 वीक हो गया गाइज, काफ़ी बारिश हो रही थी काफ़ी। सो गाइज आज थोड़ा मौसम क्रेजी है, सो आज ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं और फिर बताते हैं आपको क्या क्या होता है क्या नहीं। सो गाइज लेट्स गो विद मी। सो गाइज ये अपने सब्सक्राइबर थे, कल हमें मिलने के लिए आए थे घर पे। ओ भाई साहब, गाइज कुत्तों से मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है गाइज, सबसे ज़्यादा डर मेरे को कुत्तों से लगता है गाइज, वो चलते चलते टांग ही पकड़ लेते हैं। पीछे तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ भी गाइज। सो गाइज अभी मिलते हैं। ओ भाई साहब, ओ हो घंटियाँ देखो रॉन्ग साइड हो रही हैं, तो क्या करें गाइस। और गाइस यहाँ से लेते हैं राइट टर्न। सो गाइस मेरे को काफ़ी बंदे पूछते हैं कि भाई तूने हेलमेट कैसे मॉडिफाई करवाया और बाइक कैसे मॉडिफाई करवाई है। सो गाइस आज मैं आपको बता दूंगा, पूरे ब्लॉग में यही बताऊंगा गाइस कि हेलमेट कैसा और बाइक कहाँ से क्या मॉडिफाई करवाया गाइस। सो लेट्स गो विद मी। ये देखो ये अपनी नंबर प्लेट्स हैं गाइज, नहीं लगवाई हैं गाइज रॉयल भैया के पास। सो और गाइज ये इसमें फोग लैंप लगे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हो गाइज, आंखें भी बनी हुई हैं इसमें आपको दिखन रखा। ये देखो गाइज जूम करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा गाइज। और भाई और तो इसमें वाइजर लगा हुआ, और साथ में इसके क्रैश गार्ड भी लगे हुए हैं गाइज, ये ढीले हो गए हैं। और ये देखो लेग हैंड गार्ड हैं साथ में। और गाइज एक पीछे लॉन्ग ट्रैवल पे जाने के लिए गाइज कुछ बांधने के लिए लगाया है ये पीछे। और गाइज पीछे भी थोड़ी पतली वाली नंबर प्लेट्स लगाई है। और गाइज ये देखो एक्रापोबिक का गाइज एग्जॉस्ट लगवाया है, ये आप चेक कर सकते हो। और गाइज पूरी बैंड पाइप डली है गाइज, पूरी ए टू जेड यहाँ से, ये देखो ये पूरी। और अब आपको हेलमेट्स का हेलमेट बताता हूँ गाइज। तो गाइज ये रहा अपना हेलमेट, 2000 रुपये में लिया था गाइज, यहाँ का ही हेलमेट है ये भी चेक कर सकते हो। और गाइस स्टील वर्ड्स कंपनी का है ये। इस पे ये जो है गाइस यहाँ पे लाइट वगैरह लगती है, और ये जो है इसमें गाइस बाल पोनीटेल्स वगैरह लगती हैं इसमें, वो मैंने घर में खोल के रखी हुई हैं। और ये जो है गाइस इसके सींग है, और ये मुर्गी की कगली है। और गाइस बाकी तो आप चेक कर सकते हो, बाकी तो सेम ही हेलमेट। सो गाइस काफ़ी बंदे पूछते हैं कि गाइस हेलमेट कहाँ से लिया है, तो गाइस लिया तो बाकी कहीं से नहीं है, इसे बाकी जो मॉडिफिकेशन है इसकी ऊपर और नीचे गाइस सारी खुद करवाई हैं। और ये साथ में ये इंस्टा आई डी लगी है गाइस, आप फॉलो कर सकते हो। और ये यूट्यूब आईडी है गाइस हेलमेट के ऊपर, सो इसको सब्सक्राइब। और गाइस ये शीशे के ऊपर भी लगवाई है। सो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से। और गाइस मेरे साथ स्कैम हो चुका था क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। और ये रही गाइस अपनी बाइक, ये देखो। और गाइस इसकी ये जो है ये इसकी राउंड लाइट बोलते हैं इसको गाइस, ये राउंड में जगती हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये देखो गाइस ये रेड, और ये इसकी आंखें हैं। सो ये इसके फॉग लैंप है गाइस, और इसकी दूसरी बताता हूँ गाइस, ये दूसरी लाइट है गाइस, काफ़ी तीखी पड़ती है गाइस आंखों पे। ये देखो ये देखो ये देखो काफ़ी तीखी पड़ती है। सो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं सीधा आपको बाइक के ऊपर। सो लेट्स गो। भाई लड़का है ये, मतलब यंग एज लड़का है गाइज, तो इसने पीछे काफ़ी ज़्यादा ट्रक भगाया था। और भाई साहब, सो गाइज निकलते हैं अभी।
और गाइज मेरे साथ स्कैम हो चुका था गाइज, क्योंकि मेरा कैमरा बंद हो गया था पीछे। भाई ये दिक्कत रहती है गाइज, आज पीछे मेरे बंदा नहीं है गाइज, मैं अकेला शूट कर रहा हूँ। सो गाइज अभी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस अकेले का। गाइज मैंने काफ़ी बार पहले भी किया शूट अकेले, सो लेट्स गो। ऐसे कट्स है ना गाइज, इनको काटने में अलग ही फील आता है गाइज, अलग ही मज़ा आता है इनको काटने में। सो आप आगे भी चेक कर सकते हो गाइज कैसे हैं। ये देखो गाइज और काफ़ी तीखी हैं भाई। ओए भाई देखो कुत्ते कैसे सोए हुए रास्ते के बीच में। भाई इनका अलग ही टशन है गाइज, पी के पड़े हुए हैं ये यहाँ पे। और गाइज ये जो मेरा थ्रोटल है ना, ये जो एक्सीलेटर की ये जो थ्रोटल है ना गाइज, ये काफ़ी कई कई बार अटक जाता है गाइज। जैसे फुल एक्सीलेटर दे तो गाइज ये बीच में अटक जाता है, इसको छोड़ते हैं तो गाइज छूटता नहीं है। जैसे ये छोड़ दिया ऐसे नहीं छूटता है, ये देखो बताता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइज अब छूट गया भाई, कई कई बार ना गाइज बुरी तरह से अटकता है ये। और गाइज मतलब रेस भी काफ़ी होती है। सो गाइज अभी निकलते हैं। ओ भाई साहब गाइज मेरे को डर इसी बात का है, ये जो पीछे मेरा पियानो है ना गाइज गिर गुर ना जाए कहीं पे, नहीं तो भाई बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ओ भाई रास्ता तो पूरा टूटा हुआ है गाइज, ये देखो ये कैसे टूट गया है भाई, अलग ही तरीके से टूटा हुआ रास्ता। ये देखो बीच बीच में से ऐसे लग रहा है कुछ निकला है बीच में से, जैसे बीज निकलता है ना बीच में से गाइज, वैसा लग रहा है बिल्कुल जैसे बीज निकला हुआ है। ओ भाई क्रेजी, ये गाइज अपनी बाइक गाइज पटाखे भी छोड़ती है, मोड और रोड गाइज दोनों क्रेजी हैं गाइज। ओ भाई साहब भाई कहाँ से निकाले। ओ भाई गाइज यहाँ से आराम से निकाल लेते हैं गाइज, साइड वाले वाले मिरर ना होना गाइज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं गया था मिरर लगवाने और गाइज जो लगाने वाला था उसने मिरर ही तोड़ दिया। सो गाइज अभी देखते हैं गाइज एजेंसी में, और भाई एजेंसी में गाइज और एक दो काम करवाने हैं। पहले तो बाइक में जो शायद इसका एग्जॉस्ट गाइज मैं उतरवा दूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है और इसके अंदर जो जाली लगी होती है गाइज वो टूट चुकी है, इससे काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही है गाइज। सो देखते हैं गाइज इसका एक तो एग्जॉस्ट चेंज करवा लेंगे गाइज, पुराने वाला रखेंगे जो इसके साथ में आता है ना गाइज वो वाला रखेंगे, और एक तो साइड मिरर लगवाएंगे, और बस बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी सेम करेंगे गाइज। जब मन होगा गाइज तब हम दूसरा एग्जॉस्ट लगा लिया करेंगे, और जब उस जब जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो नॉर्मल जो है, और जैसे लोकली जाना हो तो गाइज दूसरे वाला एग्जॉस्ट फुल पावर। भाई रिएक्शन तो गाइज आप चेक कर सकते हो, ये देखो भाई। गाइस मैं इसीलिए नहीं भगा रहा गाइस, क्योंकि मेरे पीछे सामान आ गया, ये गिर गया तो गाइस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे को। सो इसीलिए मैं नहीं भगा पा रहा हूँ ज़्यादा, अगर पीछे बंदा हो तो गाइस तब तो फिर हम नहीं मानते हैं गाइस। सो अभी देख रहा हूँ गाइस भगाने का फ़ायदा क्या, अगर अपना नुकसान हो जाएगा तो इसीलिए मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ गाइस। भाई साहब गाइस रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब, ये चेक कर सकते हो आप, ये देखो। ओ भाई ये गाइस दिक्कत बाकी कुछ नहीं है गाइस, मेरे को टोटली इसकी दिक्कत है, क्या बोलते हैं पियानो की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाइस भगाने को अपने को। सो गाइस ऑटो के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि ऑटो वाला आराम से चला होगा तो हम भी आराम से चलते हैं। ये देखो और गाइस ये रहा अपना नगरोटा का बस स्टैंड इन लेफ्ट। सो आप चेक कर सकते हो गाइस, पहले छोटा था अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया इन्होंने। ओ भाई ये चेक करो गाइस, ये चेक करो
और गाइज आपको एक और क्रेजी चीज़ बताता हूँ गाइज इस ऑटो की। और देखो, और रुको एक मिनट, देखो गाइज ऑटो वाले ने गाइज ऑटो पे क्या लिखवाया, BMW ब्लैक ब्यूटी। गाइज ये देखो BMW ब्लैक ब्यूटी। शिट मैन, क्या बंदे है गाइस। ओ भाई क्या कर रहा है यार। गाइस ये गाड़ी चढ़ती है ओवरटेक को, गाइस पीछे से चार चार गाड़ियां चढ़ जाती है। वो तो अपना हिसाब देख लेते हैं, बट वो पीछे से देख कर ऐसे ही निकाल देते हैं गाइस, फिर ऐसे ही हरकते हो जाती है गाइस सामने वाले बंदे के साथ। ओए गाइस पटाखे छोड़ रही है गाइस अपनी बाइक BMW गई गाइस। वो देखो गाइस पहुंच चुके हैं हम बड़ो रोड में, अब जाते हैं ऊपर। वो देखो गाइस अंकल कैसे देख रही है कि जा रहा ऊपर। गाइस अभी निकलते हैं घर को। ओ भाई तो गाइस अभी हम भी निकलते हैं घर के लिए। तो दूसरी लाइटें वगैरह जगानी पड़ेंगी गाइस, फोन तो दोनों। ओ भाई सो गाइस आ गए हैं हम अपने घर वाली साइड। सो भाई ओ भाई फ्री भाई, हम आपके फैन हैं बहुत ही ज्यादा। ओह भाई अच्छा इतने बड़े फिर बाकी गैंग चलते। सो गाइस व्लॉग बढ़िया लगा होगा तो गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड अब सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस तब तक करते हैं गाइस बाय बाय।